जिला सोलन की कसौली विधानसभा क्षेत्र के पट्टा बरौरी गांव में आयोजित दो दिवसीय प्राचीन दुर्गा माता मेला संपन्न हो गया। समापन समारोह में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सर्वप्रथम स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी के बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की मंगल कामना की। जिला सोलन की कसौली विधानसभा क्षेत्र के पट्टा बरोवरी गांव में आयोजित दो दिवसीय प्राचीन दुर्गा माता मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल को मेला कमेटी ने समिति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मेले के दौरान जहां विशाल दंगल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा, वहीं विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। मेले के अंत में विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। मुख्य अतिथि डॉ. राजीव सैजल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में गांव, शहर, प्रदेश और राष्ट्र को स्वच्छ रखना और युवाओं को नशे से दूर रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने मेलों एवं उत्सवों में जन जन को स्वच्छता एवं नशे के प्रति जागरूक करना होगा, तभी हमारा देश स्वच्छ व नशा मुक्त बनेगा। मेले हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारे देश में जगह जगह जो है वो मेलों का आयोजन होता है और इस बार भी वही बात बोलना चाहता हूँ जो हर वर्ष बोलता हूँ कि मेलों के पीछे समाज में एकता का भाव पैदा हो, इसलिए ये मेले होते हैं। एकता का भाव समाज के अंदर पैदा हो, समाज के अंदर एकता हो, वही तो मौका ऐसा हो जब हम सब लोग आपस में मिलजुल सकें, इसीलिए इन मेलों की जो है वो कल्पना की गई है। इस मेले की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाप्त करना चाहूंगा और एक विश्वास दिलाना चाहूंगा, हालांकि कोई घोषणा नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि पट्टा बरौरी क्षेत्र की समस्याओं के प्रति मैं बहुत जागरूक हूँ। यहाँ जो बातें प्रधान जी ने कही हैं, मैं उनसे सहमत हूँ और जिस प्रकार पूर्व में पिछले 12 वर्षों से लगातार मैं आपकी सेवा में हूँ, भविष्य में भी इसी प्रकार की सेवा मैं अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की, अपने बुजुर्गों की, अपनी माताओं की, बहनों की, युवा साथियों की मैं करता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।